छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती आंध्र प्रदेश के वेंकटापुरम गांव में नक्सलियों को लेकर भारी ग्रामीणों में नाराजगी दिखाई दे रही है। दरअसल 6 जून को इस इलाके में बन रही पुलिया के काम में लगे 8 वाहनों में माओवादियों ने आग लगा दी थी, जिसकी वजह से ठेकेदार ने काम न करने का निर्णय लिया है। अब पुलिया का निर्माण रोके जाने से ग्रामीणों को आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पुलिया की उपयोगिता को देखते हुए वेंकटापुरम गांव के सैकड़ों रहवासियों ने मंगलवार को नक्सलियों के खिलाफ रैली निकाली। रैली में महिला और बच्चों समेत सभी लोगों ने माओवादियों के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया है। ग्रामीणों ने नक्सलवाद के खिलाफ बैनर, पोस्टर और नारे के द्वारा जमकर खिलाफत दर्शाई। बैनर पोस्टरों में उनके खिलाफत और सर्वनाश होने के जैसे नारे लिखे नजर आए। यह रैली पूरे गांव में भ्रमण करते हुए चिंतूर मुख्यालय पहुंची, जहां ग्रामीण विकास के अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द पुलिया बनवाने का अनुरोध ग्रामीणों ने किया। दाटाल वाग सारी वर्ष फुल्लिए पोये सारी अट्ठे अच्छे हास्पल वेदे वे सर की मैं चलें वाग फुल्लिए एलाकाल मे शाल इबंध पड़ता ब्रिजी कट ब्रिजी रोड खचिता कटाले। गौरतलब है कि सरकार के द्वारा जनहित के कार्यों के खिलाफ आए दिन नक्सली अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, साथ ही निर्माण कार्य को जबरिया रोकने घिनौने करतूत से बाज भी नहीं आते। ऐसे में निर्माण कार्य में लगे वाहन और जान माल की हानि को देखकर कई बार शासकीय कार्य में बाधा पहुंचती है और ऐसे नक्सल क्षेत्रों में विकास भी रुक जाता है। हालांकि सरकार के कड़े तेवर से कई बार नक्सलियों को मात भी खाना पड़ा है और कहीं शासन प्रशासन को इसका खामियाजा भी जवानों की जान देकर चुकाना पड़ा है। देश टीवी के लिए सुकमा से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट।